आई एम ए यूट्यूबर, मेक ए वीडियोज, ट्रैवलिंग वीडियोज। सो आई एम सेकेंड टाइम विजिट इन ऋषिकेश। सो आपको देखा तो सोचा कुछ बात की जाए। हाउ इज इंडिया? वंडरफुल। आई लव इंडिया गाइस, आई लव इंडिया। दैट्स व्हाई आई कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या गाइस, तो मैम, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5, तो नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अगर नहीं है तो हमारे व्लॉग को देखकर हो जाओगे। तो गाइस, कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है सुबह का, तो इस टाइम में खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पर गाइस। तो फ्रेंड गए बाइक में पेट्रोल डलवाने, तो आज हम सबसे पहले जा रहे हैं गाइस। सबसे पहले तो हमें गाइस जाना है रुड़की। तो रुड़की में क्या होने वाला है गाइस, वो तो आपको वहीं जाकर पता चलेगा। और उसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, उत्तराखंड की एक फेमस जगह पर, जो अपने खूबसूरती के लिए गाइस बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद हम वहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक कुछ शायरी हो जाए। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा है बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो चलो चलते हैं गाइस। फाइनली अनुज भाई आ चुके हैं मेरे डलवा के, तो गाइस अब चलते हैं। गाइस, जो मजा है ना ट्रैवलिंग करने का गाइस, सुबह सुबह का ही मजा है। सुबह सुबह जाओ, शाम को जल्दी घर आओ। तो गाइस, रातों को जगाया, रात में सपने में भी आया, और सुबह जल्दी उठाया, वो क्या है, अरे घूमने वाला सफर अपना गाइस। सफर, हम सफर, हम सफर तो ऐसे हमें गाइस, और सफर पर निकल रहे हैं। आई होप हमारा ये सफर अच्छा रहेगा। तो गाइस चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस, इस टाइम हम आ चुके हैं आरसीपी कॉलेज रुड़की में। तो आज अनुज भाई का आज पेपर है एसएससी का, पेपर देने के बाद फिर हम जो दूसरी जगह मैंने आपको बताई थी गाइस, ब्यूटीफुल जगह जहाँ हम जाने वाले हैं, जहाँ पर हमें बहुत मजा आने वाला है आज का, तो गाइस उसके बाद हम जाएंगे वहाँ। तो अनुज का पेपर है गाइस 1 घंटे का, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली अनुज भाई का पेपर हो गया एसएससी जीडी का, तो आइए इनसे जानते हैं कैसा पेपर आया था। तो बताओ अनुज भाई। बहुत अच्छा है पेपर आया था, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो, तैयारी करने वाला हो, तो बहुत अच्छा था। उसके लिए मैंने 68 क्वेश्चन करे हैं गाइस। तुक्के मार गया है इसका। शाबाश बेटा, ऐसे क्या का पढ़ने वाला बच्चा हो, तो मतलब पढ़ने वाले नहीं, तो टाइम पास करने आ गए हैं एग्जाम देने, घर वालों को दिखाने की हाँ बेटा पढ़ रहा हूँ। तो चलो गाइस, अब आने वाला है आगे वीडियो में बहुत मजा। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार होते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस फाइनली अब देख सकते हैं हम कहां पर आ गए हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूले पर। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल बन रहा है, काफी लोग घूम रहे हैं। इस टाइम तो पैर हो रही है, तो इतना मजा नहीं आ रहा है, मतलब आपको आगे चलकर दिखाएंगे हम क्या क्या होने वाला गाइस। फिर भी काफी मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ नदियां और वही लोगों का शोर भीड़ भाड़। और है क्या दोस्तों, जिंदगी में जियो खुल के जियो, वही क्या वो कहते हैं ना, वो कौन सा गाना है, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आज। तो गाइस एंजॉयमेंट करता रहो, मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं तो गाइस छक्का मार देता हूँ। चौके का तो छोड़ो आप, चौके तो टूट जाते हैं, छक्का मारने चाहिए डायरेक्ट, जैसे धोनी मारता, सचिन भाई मारते हैं, विराट कोहली मारते हैं। तो गाइस हम तो ऐसे ही सोचते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। तो आगे बहुत मजा आने वाला है, अब हम आपको दिखाएंगे लक्ष्मण झूले की ब्यूटीफुल गंगा। चलो गाइस चलते हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हैं। गाइस आज का जो मन था ना यार, वो फॉरनर से मिलने का था, अब देखते हैं कोई फॉरनर मिल जाता है तो हाल चाल पूछ लेंगे उसके भी, अपने भी, और क्या। तो चलो गाइस चलते हैं आगे। यूट्यूबर, आई एम ए यूट्यूबर, मेक ए वीडियोज, ट्रैवलिंग वीडियोज। सो आई एम सेकेंड टाइम विजिट इन ऋषिकेश। सो आपको देखा तो सोचा कुछ बात की जाए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड वेर आर यू फ्रॉम? सॉरी, ओह टर्की, ग्रेट। एंड हाउ इज इंडिया? Nice. Nice, yes. And
And what are you doing? Yeah, yeah. Wow, kya scene hai. I say no more. No more? By the way, nice to talk to you. And my name is Vinayak and your name? Maria, YouTube channel. Show me. Show me? Yes. Oh, yeah. Anuj, and आप अपने मोबाइल में देख सकते हो? Biliyorum, evet gördüm yani. Yeter. Hayır. Actually, I have no internet, so मैं आपके मोबाइल में दिखा सकता हूँ आपको. Yavaş et o zaman. Yeah. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Thank you. Oh, okay, thank you. Guys, मजा आ गया फोन से बात करके. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा था. शर्मा शर्मा के बोल ली थी गाइस. विनायक के शर्म तो थोड़ी दूर हो गई क्योंकि दिल है अपना बेशर्म गाइस. तो बात करके अच्छा लगा थोड़ा. अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है गाइस, मजा आने वाला है. तो गाइस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब तो बनता है. तो चलो गाइस चलते हैं अब आगे. गाइस इस टाइम है परमात घाट पर, तो हम सबसे पहले गाइस नहाते हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ का जलवा दिखाते हैं. गाइस तुम्हारे भाई को कोरिया से एक मैडम मिली है जिन्होंने तुम्हारे भाई का नाम लिखा है हाथ पे विनायक. देख लीजिए कोरियन लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है विनायक. गाइस मैडम पास में बैठी है बट मैडम ने वीडियो माने के लिए मना किया है. मैडम सरवानी वीडियो में आनेगी क्योंकि मैडम को पसंद नहीं है वीडियो में आना. कोरिया से आई है, फर्स्ट टाइम आई है इंडिया में. तो गाइस इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है आके, बट इन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना किया है तो मैं इनकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ. तो गाइस यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, मतलब अदर अदर लोगों से मिल के, अदर कंट्री के लोगों से मिल के. तो चलो गाइस यहाँ पर काफ़ी घूम लिया है तो चलो अब चलते हैं. यू से हाय गाइस. हाय कह दिया आपको. तो चलो गाइस अब चलते हैं दूसरी जगह पर. तो गाइस ये लिखा आपके भाई के हाथ पे कोरिया भाषा में विनायक. तो गाइस मैडम बहुत अच्छी थी, मतलब उनसे मैंने काफ़ी देर तक बातें की. तो गाइस वो ऐसा बता रही थी कोरिया में 10th पास करने वाला, हाई स्कूल पास करने वाला 11th 12th नहीं होता कोरिया में गाइस. डायरेक्ट मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना पड़ता है वहाँ पर. 11th या 12th नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बट 10th पास करने वाले डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं. बता रही थी, मतलब मैंने पूछा इंडिया के बारे में, इंडिया कैसा लगा तो बता रही गाइस इंडिया काफ़ी अच्छा लगा उन्हें. यहाँ पर क्या बोले, नदियों के बारे में बता रही थी, माउंटेन के बारे में बता रही थी. इससे पहले वो बनारस घूमने गई हुई थी, वहाँ के बारे में बता रही थी. और अपने यहाँ पर अपने फ्रेंडों के साथ, टीचर के साथ आई हुई है गाइस अपने उसमें ट्रिप पे यहाँ पर. तो यहाँ पर रुकने वाली है अभी 2-3 दिन और. तो गाइस बहुत कुछ बताया कि अपने देश के बारे में बताया, अपने वहाँ के फूड के बारे में बताया. वहाँ पर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं गाइस, फास्ट फूड के बारे में बताया. मतलब काफ़ी अच्छा लगा मिल के, काफ़ी नॉलेज मिलती है गाइस अदर अदर लोगों से मिलने से. तो गाइस इस टाइम वहीं पर हैं, मतलब राम झूले के पास ही हम थोड़ी दूर. तो हम आपको लेके चलते हैं आगे. गाइस काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है. तो चलो गाइस चलते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं ये ऋषिकेश का मार्केट है राम झूले के पास का. Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. दे दे कुछ होता है एक बार वो खोल लेने. गाइस बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गाइस पीछे देख लो फॉरनर अंकल चल रहे हैं. देखा मुझे मुझे कितनी कैडी कर रखी हमारी इंडिया में, मुझे कैडी नगते दाढ़ी वाली फॉरनर में रखते हैं गाइस. तो चलो आगे चलते हैं. We'll go through the wastelands, through the highways, तक तो देखा था मतलब सुना भी था. तो गाइस हिल रहा है गाइस, सच में हिल रहा है. हम जब चल रहे हैं ना, सब चल रहे हैं तो गाइस हिल रहा है पुल. गाइस मजा आता है अदर लोगों से बात करना, अदर कंट्री के लोगों से बात करना, उनकी लैंग्वेज को सीखना कि उनके देश में क्या हो चल रहा है, उनसे ऐसे बात करना जैसे उनसे बात की थी. चलो अब गाइस आगे चलते हैं. गाइस इस टाइम आ गए हैं परमात्मा के अंदर में, जो विष्णु नारायण भगवान जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर. चलो आपको यहाँ पर घुमाते हैं, दिखाते हैं कैसा बना हुआ है.
गाइस आप ये पेड़ देख रहे होंगे, ये वाला पेड़ और दूसरा वाला पेड़, गाइस कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, कितने विशाल पेड़ हैं गाइस, मुझे तो लगता है कि 1000 साल पुराने होंगे गाइस। तो फाइनल गाइस मंदिर तो हमने पूरा घूम लिया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, काफ़ी विदेशों से भी यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप भी कभी ऋषिकेश में आएंगे तो एक बार जरूर घूम के आइएगा। तो चलो गाइस अब चलते हैं बाहर। तो बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नेदरलैंड्स एम्स्टरडम। गाइस नेदरलैंड्स आई है मैम। तो गाइस देखिए मैम सॉक्स बना रही है अपने लिए, ठंड के सॉक्स। यू विजिट फर्स्ट टाइम इन ऋषिकेश? मेनी टाइम्स गाइस कई बार आ चुकी है मैम। तो मैम हाउ इज इंडिया? वंडरफुल। आई लव इंडिया गाइस, आई लव इंडिया। तो गाइस दैट्स व्हाई आई कम बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। या गाइस, तो मैम का कहना ये है कि मैम कई बार आएंगी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है इंडिया में आकर मैम को। तो गाइस देखिए आप विदेशों में भी लोग इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा है हमारा इंडिया, जब तो कहते हैं सबसे प्यारा भारत देश हमारा। तो मैम क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में? सॉरी, इंडिया इज जैसे माउंटेन, एज ए माउंटेन लाइक माउंटेन रिवर्स एंड इंडिया पीपल। व्हाट इज दिस? बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। I like India because of the people and the culture and the spirituality and the cities, everything. Food. India's food is very interested and very tasty food. India is very. But all the different places in India have different food. Yeah. You are right. And ma'am, have a question. And your country famous food? Oh, we don't have famous food. We are just like potatoes, vegetables, and meat or something. Stupid food. Yeah. Nothing special. Yeah. And how many times in this case? Oh, this is maybe 6 times already. 6 times. Yeah. And you alone in this place? No, I'm with my husband. Oh, husband. He's Indian. Oh, so guys. He's from India. Just from India. तो गाइज मैम अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है इंडिया घूमने। तो गाइज इन्हें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है ऋषिकेश में। तो गाइज आपको भी वन टाइम जरूर आना चाहिए एक बार। ओके मैम, से हाय। बाय बाय। तो गाइज चलो चलते हैं। नमस्ते, राम राम। एंड मैम सो नाइस टू टॉक टू यू एंड नाइस टू मीट यू। वेलकम मैम। फीलिंग आ रही है वो हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि आपको यहीं पर आकर पता चलेगी। और रातों को जो नींद आती है वो इस टाइम हम जा नहीं सकते। तो गाइस यहाँ पर आके ना बहुत ही मजा आएगा, यहाँ के लोगों से मिलकर, खासकर गाइस अंग्रेज लोगों से मिलकर, फॉरेनर लोगों से मिलकर, उनके बारे में जानकर, अपने बारे में बताकर गाइस। तो गाइस मजा आ गया, आज की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। तो गाइस अब चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है, बिजनौर बहुत दूर जाना है गाइस। तो यहीं पर तो अभी तो हम ऋषिकेश में। तो चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। गाइस फाइनली इस टाइम हम अपने जिला बिजनौर में पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये हमारा मोहल्ला और गाइस अनुज भाई जा रहे हैं अब अपने घर। तो गाइस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं। तो गाइस आपने भी देखा होगा गाइस अंग्रेज लोग भी ऐसे कहते कि इंडियन फूड बहुत अच्छा है, इंडिया बहुत अच्छा है। तो गाइस देखिए मतलब विदेशी लोग भी हमारे इंडिया की तारीफ करते हैं, तो गाइस हमारा तारीफ करना तो बनता है। तो गाइस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।